हरामी नाला एरिया में बहुत ही मेजर एक ऑपरेशन किया है जो अभी भी चालू है, जिसमें हमने 6 पाकिस्तानी फिशरमैन को पकड़ा है और 11 बोट अभी तक सीज की हैं। ऐसा ऑपरेशन जो आप अगर उसकी ऑपरेशनल डिटेल देखेंगे तो बिल्कुल फिल्मी टाइप रहा है। हम कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी डिटेल्स ये हैं कि 9th को, मतलब 2 दिन पहले, UAV में कुछ बोट्स और कुछ इंट्रूडर्स वहाँ डिटेक्ट हुए हरामी नाला एरिया में, करीब 20 के बोट के आसपास, और करीब 50 के आसपास उनका एंटिसिपेशन था कि करीब इंट्रूडर्स अंदर हैं। तो तुरंत ही हमने अलर्ट करके और अपने भी, मैं भी गांधीनगर से तुरंत यहाँ आ गया, और थ्रू UAV हम ये पूरा मॉनिटर कर रहे थे। तो कल एयरफोर्स की मदद से हमने 3 टीमें जो जहाँ पर ये इंट्रूडर्स थे वहाँ पे हमने कल उतारी। उसमें 2 BSF की टीम थी और 1 आर्मी की टीम थी। लेकिन इंट्रूडर्स को रात में भी, क्योंकि ये फिशरमैन हैं और उस एरिया से ये, मतलब ये एक 0 point विलेज जो पकड़े हैं वो नियर बॉर्डर के पास ही विलेज है, सारे अब जो पकड़े अनपढ़ ही हैं, तो वो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो देखकर वो दूर ही भाग रहे थे, तो रात में पकड़ में नहीं आया, लेकिन हमें उनकी लोकेशन पता लग रही थी। तो सुबह में लगा कि वो लोग निकल जाएंगे, तो हमने फिर एयरफोर्स से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने प्रॉम्प्टली उस पर एक्शन लिया और उनके हेलीकॉप्टर्स भी रेडी थे, और हम सुबह वेट कर रहे थे कि जैसे ही लाइट आए और यहाँ से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करें। तो जैसे ही टेक ऑफ यहाँ से किया, हमारी टीमें लखपत में तैयार थी, तो उसमें पहली टीम में हमारे कमांडेंट है मिस्टर राजेंद्र सिंह, ये उसमें पर्सनली थे। टोटल 12 बाकी, टोटल 12 उसमें टोटल हमारे BSF के एक ऑफिसर और बाकी जवान थे। दूसरी भी टीम 12 लोगों की BSF की थी, तीसरी टीम आर्मी की थी जिसमें 12 उनके कमांडोज थे, और चौथी BSF की टीम थी। तो आज जो सुबह जो 4 टीमें एयरफोर्स ने तुरंत ही उनको वहाँ पे पहुँचाया, और वो बॉर्डर से लगभग 3 किलोमीटर के आस करीब थे, 3-3.5 किलोमीटर। जैसे ही ये उतरे तो वो बहुत तेज़ी से भागे। सुबह में मैं आपको बताऊं कि ये पता लग रहा था कि उन्होंने एक नाले को भी स्विम किया है, और तो जैसे ही वो दौड़े तो ये वो काफ़ी स्पीड से दौड़े, तो इनका गैप बढ़ा। फिर ये अपने कमांडेंट मिस्टर राजेंद्र सिंह ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए इन्होंने एक बर्स्ट फायर किया, क्योंकि उनको लगा कि ये बॉर्डर में घुसने ही क्रॉस करने वाले हैं। तो फॉर्चुनेटली उसमें 3 लोग छुप गए, लेकिन बाकी लोग वो दौड़ते रहे। तो जो छुप गए पहले वो 3 हमने पकड़े, क्योंकि अगर एक भी नहीं पकड़ा जाता तो संदेशा होता कि ये डाउट रहता कि कौन लोग आए हैं। तो उनके इंटरोगेशन में पता लगा कि ये फिशरमैन हैं। उसके बाद और भी हमने कॉमिंग ऑपरेशन किया, उसमें 3 और पाकिस्तानी फिशरमैन जो मिले हैं, टोटल 6 मिले हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इट वाज वेरी क्लोज, अगर शायद हम 10-20 मिनट भी लेट हो जाते, कोऑर्डिनेशन, एंड इट इज़ ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ ग्रेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन BSF आर्मी एंड एयरफोर्स। एयरफोर्स का तो कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल इमीडिएट रेस्पॉन्स, और पुलिस ने भी नाकाबंदी की थी, मतलब उनको इधर से जाने का, हालांकि वो पाकिस्तान की तरफ ही जा रहे थे, और सभी एजेंसियों का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा। इनके मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी बोट मिली हैं सभी में फिशिंग नेट है, सभी में आइस बॉक्स है, और कुछ में कपड़े हैं। ये लोग क्या है कि जैसे बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ एक फ़िशरमैन का होता है, वो जाता है 6-7 दिन 8 दिन वहाँ रहता है, तो वो अपना चीज़ काफ़ी सामान लेके जाता है। तो बाकी और जैसे दाल, किसी में चावल, किसी में इस टाइप की आइटम्स, क्लोथ्स वगैरह, उस टाइप के बाकी में मिले हैं, लेकिन फ़िशिंग नेट और आइस बॉक्स ये सब में मिला है। कुछ में फ़िश भी मिली हैं, क्योंकि ये जब जा रहे थे तो बीच बीच में इन्होंने आग भी जलाई है, क्योंकि वो केरोसिन वगैरह साथ में ले गए थे। जैसे जब इन्होंने वो कलवर्ट को स्विम करके मॉर्निंग में 5 बजे जब किया, तो फिर उसके बाद जाके इन्होंने आग जलाई। तो इस टाइप का ये ऑपरेशन रहा। सर, भारतीय सीमा में कितनी अंदर तक वो लोग आ गए? ये क्या है कि बेसिकली ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, जो कि एक यूनिक वो है कि इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान साइड में फिश नहीं हो रही है,
वो क्यों नहीं है वहाँ पे इस बार तो बताते हैं कि फिश का बहुत ही हरामी नाला में बहुत कम है। अब आप हरामी नाला को अगर देखें तो ये समुद्र से सबसे पहले G29 से ये ऊपर क्रॉस होता है, इंडियन से पाकिस्तान में जाता है, फिर ये पाकिस्तान से इंडिया में तीन जगह पे एंटर करता है, 1164, 1166 और 1170। 1170 और 69 मतलब आप एक ही उसके दोनों किनारे हैं। तो 1170 का जो किनारा है, ये जो ये हरामी नाला है, ये बहुत बड़ा है, करीब 2 किलोमीटर इसकी विड्थ है। तो इसमें हमारा BSF पॉइंट है, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम रात को जाते हैं, 2-3 दिन वहाँ रहेंगे, फिश लेंगे और फिर रात को ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि इधर तो पाकिस्तान साइड में तो फिश मिल नहीं रही है। तो उसके हिसाब से एक एक करके ये बोट बिल्कुल लाइन में बंद करके इंजन वगैरह बहुत ही आराम से निकल गए। तो वो क्योंकि विड्थ इतनी है कि और वहाँ थोड़ा फॉग भी हो जाता है, तो BSF को वो पता नहीं लगा। लेकिन UAV मिशन हम लोग रैंडमली कराते रहते हैं, तो उस दिन UAV मिशन में ये डिटेक्ट हुई और उसके बाद ये हमने ऑपरेशन किया। नहीं, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इट इज़ प्योरली फिशरमैन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी वन कैन से। वहाँ फिश नहीं मिल रही है, उन्होंने रिस्क लिया कि इधर से ट्राई कर लेते हैं, बस यही है इसमें। देखिए ये एक जैसे ड्रोन होता है उस टाइप का ही आप मिशन समझ लें बस, ये एयरफोर्स का ये वैसे ऑपरेशन हमारा सर्च ऑपरेशन अभी भी चालू है और इट विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 2 मोर डेज, 2 to 3 डेज, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जो फिशरमैन आए हैं वो 50-40 कितने हैं, वो 50 के आसपास ऐसा लगता है, लेकिन भागते हुए भी हमने उनको मॉनिटर किया है, लेकिन जैसे 3 बाद में मिले, हो सकता है कुछ और छुपे बैठे हों, तो उसके हिसाब से और 11 बोट मिली हैं, हमको लगता है कि अराउंड 20 बोट्स के आसपास वो होंगी। ये लोग बोट को भी उठा के भागे हैं, मतलब ये बेसिकली जैसे पॉवर्टी टाइप जैसे लोगों को कुछ भी यार बोट को ही लेके अगर हम ले जा पाए आगे जब वो है, तो उसके हिसाब से बोट भी पूरी नहीं मिली है, क्योंकि वी फील के अराउंड 20 बोट्स हैं। क्या मुश्किलें रही 3 दिन के? नहीं, मुश्किलें तो ऐसी कोई नहीं रही, मतलब थोड़ा सा ये था कि पहले दिन जब हमने 3 टीम्स को उतारा और कामयाबी नहीं मिली, तो आप कल का समझें कि जब कामयाबी नहीं मिली रात में भी कामयाबी, और वो इनसे काफ़ी दूर हैं, तो हमें लगा कि शायद पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। और आज भी मॉर्निंग में लग रहा था कि आप समझिए कि एयरफोर्स का बहुत टाइम से हमें मिलना उनके हेलीकॉप्टर्स का और आगे जाना, मतलब जस्ट इन टाइम हम कह सकते। एक्चुअली क्या है कि हरामी नाला एक ऐसा नाला है जो इंडिया से पहले पाकिस्तान जाता है और फिर इंडिया में आता है, तो अगर कोई फिशरमैन को यहाँ फिशिंग करनी है तो उसको समझिए कि पहले समुद्र से पहले पाकिस्तान जाके फिर इंडिया आना है, तो इसलिए इस एरिया में इंडियन फिशरमैन होते नहीं हैं, तो फिश बहुत है, एबंडेंट है, क्रैब्स हैं, अच्छी गोल फिश है, बहुत फिश हैं, तो मतलब उस हिसाब से इकोनॉमिक क्राइम टाइप का यहाँ पे पाकिस्तानीज की तरफ से ये ऐसा वो रिस्क लेके आए हैं। नहीं, उन्होंने प्लान रिस्क लिया, प्लान किया कि इंडिया में जाएंगे, वहाँ पे 3-4 दिन फिशिंग करेंगे और रात में ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो 1170 और 69 का जो ये हरामी नाला का विड्थ है उसकी थोड़ी काफ़ी ज़्यादा है, और फॉग भी कभी अर्ली मॉर्निंग में हो जाता है, तो नाइट में यू नो इट इज़ ए प्लान्ड ऑपरेशन बाय देम, वन कैन से फिशरमैन का उन्होंने प्लान्ड रिस्क लिया है इसमें, और हमने बहुत ही सक्सेसफुली उनको पकड़ लिया है। और ये सभी के सभी इलिटरेट हैं, और मतलब उनको हमने इंटरोगेट किया है, 3 को कर चुके हैं, 3 अभी एयरलिफ्ट किए हैं, उनको भी हमने एयरफोर्स की तरफ से तुरंत ही उनको एयरलिफ्ट भी करके लाया गया है, इंटरोगेशन अभी उनकी चालू है। सर, जैसे ये हमने 3 BOP अभी हरामी नाला में शुरू की, हाँ जी, तो जैसे ये इसके और भी जैसे 11 बोटें पकड़ी गई, हाँ जी, और कुछ सुरक्षा के इंतजाम या? नहीं, हमारा खैर अलर्ट थोड़ा, और अब इससे यू नो यू लर्न बाई एक्सपीरियंस, और थोड़ा अब हम इसमें और थोड़ा अलर्टनेस करेंगे, रात में भी उनको क्रॉस कराएंगे, थोड़ा सा ऐसा हमने प्लान किया है। अच्छा, और सर आपने बोला कि 1170 की विड्थ ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर,
ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर। तो वहाँ से वो 0.0 विलेज है, वो कौन सा विलेज? नहीं, वो विलेज तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सामने 0.0 विलेज पाकिस्तान में है। जो 0.0 ही बोला जाता है, 0.0 ही विलेज है उसका। आए थे वहाँ से, सभी लोग वहीं से ही आए जो ये लोग इंटरोगेशन में बता रहे हैं। हाँ जी सर, हमारे अंदर तक कितने आ गए थे वो? लेकिन आप ये हमारे अंदर ऑलमोस्ट 12-15 किलोमीटर तक, फिर ये जब हम लोगों ने चेस करना शुरू किया तो और आगे भागे, तो अंदर तक काफ़ी तक, काफ़ी अंदर तक गए। जैसे अगर 3 लोग जो पकड़े गए फर्स्ट, अगर जैसे हमारे कमांडेंट अगर बस्ट फायर नहीं करते तो आप समझिए कि ये क्रॉस कर जाते, मतलब क्योंकि इनका गैप करीब 1.5 किलोमीटर था, तो आप वो भी भाग रहे हैं और वो उनका भागने का स्पीड बहुत हाई था। तो सर लकी बीओपी में नवंबर अभी लास्ट ईयर ऑपरेशन किया था कोऑर्डिनेशन का, उसके बाद का ये सीधा वास्तविक ऑपरेशन हुआ था? नहीं देखिए, ऐसा ऑपरेशन तो शायद रामीनाला साइड में मतलब एयर ड्रॉप करके उनको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके शायद इस एरिया में पहले हुआ हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ये तो सिर्फ मॉक ड्रिल ही है। हाँ, ड्रिल वगैरह का तो रहता है। हाँ, उसके बाद ये सीधा पहला ऑपरेशन आ गया। हाँ मतलब ऐसे ऑपरेशन तो जनरली यू नो ऐसे एरिया में मैंने नहीं देखे। नहीं नहीं, बंदे तो क्रॉस करते हुए भी हमने जब ये चेस कर रहे थे तो देर वार अराउंड 25% जो 3 पकड़े हैं 20-25 वो मॉनिटर कर रहे थे हम। तो आंखों के आगे आप समझिए, इनके आंखों के आगे पाकिस्तान में जाते हुए फिशरमैन्स को देखा है। लेकिन होता है ना कि अगर आप पकड़ नहीं पाते तो डाउट रहता है कि ये फिशरमैन थे या कौन थे। हाँ हाँ मतलब उस, हाँ जी, तो ये फिशरमैन 100% फिशरमैन थे। कोस्ट गार्ड ने अपने जगह वहाँ पे अलर्ट किया था, मतलब क्योंकि लेकिन कोस्ट गार्ड का एरिया, क्योंकि मैंने बताया कि अगर इवन किसी भी बोट को हरामी नाला एरिया में आना है तो आपको पहले इंडिया से G29 से पाकिस्तान में जाके फिर इंडिया में ये एंट्री है। बट ये अपनी जगह पे उन्होंने अलर्ट तुरंत ही किया, कोऑर्डिनेशन था, कुछ हेल्प की उन्होंने सामने से बताया तो हेल्प की कुछ ऑफर उन्होंने। हमारी हर टीम में 12 लोग थे और एक में 14 थे, जैसे जो आर्मी की टीम थी उसमें 12 आर्मी के कमांडो थे प्लस 2 BSF के भी थे गाइड और उनको कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए। जैसे आज पहले सुबह जो टीम गई, पहली टीम में BSF के थे जो 12 टोटल, उसमें कमांडेंट राजेंद्र सिंह वो लीड कर रहे थे, 59 बटालियन के कमांडेंट जो लोकल बटालियन है। सेकेंड में एक असिस्टेंट कमांडेंट BSF के थे, उस BSF की टीम थी उसमें असिस्टेंट कमांडेंट मलिक के हैं वो लीड कर रहे थे। थर्ड में आर्मी के थे 12, वो भी एक कैप्टन उनमें लीड कर रहे थे और 2 BSF के उसमें साथ में थे जवान, और फोर्थ टीम में BSF के थे। सर किस प्रकार का फायर किया? इन्होंने LMG से बस्ट फायर किया था और उस इनफैक्ट वो फायर जो था वो गेम चेंजर था, अगर वो नहीं होता तो वो 3 जो हमने वो भाग जाते। सर जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति का लाभ पाकिस्तान फिशरमैन को मिल रहा है, हमारी आगे क्या रणनीति होगी कि इस प्रकार के बड़ी मात्रा में आते फिर पकड़े नहीं जाते या सिर्फ बोट पकड़ी जाती है, उस हिसाब से पाकिस्तान हमारी कई सारी बोट है वो ले जा रहा है? नहीं लेकिन पाकिस्तान ये जो सी एरिया है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में हमारी फिशिंग बोट क्रॉस करती हैं तो वो उनको पकड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो इंडियन फिशरमैन हैं उनको इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो इंटरनेशनल नियम है उनका पालन करना चाहिए। वो भी क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से ही क्रॉस करते हैं कि ज़्यादा फिश मिलेगी, और ये जो फिशरमैन हैं ये जनरली सर्वेंट होते हैं कि इनको ज़्यादा फिश मिलेगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, मालिक कोई दूसरा होता है तो उसके हिसाब से ये थोड़ा क्रॉस करके ज़्यादा फिश के कैच के चक्कर में ये लोग क्रॉस करते हैं। नहीं कुछ नहीं मिला है, नहीं सर। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, दो उसके हिसाब से क्या लग रहा है और बोटें पकड़ा सकती है? यस हम वी आर होपफुल, बिल्कुल वी आर होपफुल। सर भविष्य में क्या फायदा मिलेगा कच्छ की सुरक्षा को जिस प्रकार कोऑर्डिनेशन से ये इतना बड़ा ऑपरेशन किया? देखिए 5 दिन तक चला है, इतना बड़ा ऑपरेशन, इट इज एन एग्जाम्पल के ये कोऑर्डिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें एयरफोर्स और आर्मी सभी की भूमिका, पुलिस की भूमिका बहुत अहम रही है। जैसे पुलिस में भी जो IG है और SP हैं उनसे ही मुलाकात हुई, डिस्कशन हुआ, उन्होंने भी अपना नाकेबंदी वगैरह की थी, हालांकि वो तो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। तो
तो मैं यही कहूँगा कि कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑपरेशन। नहीं नहीं, ये दलदल टाइप कुछ जगह है, कुछ जगह पानी के कलवर्ट्स हैं, कुछ जगह एरिया हार्ड हो गया है, इट्स वेरी डिफिकल्ट एरिया। हाँ, इसीलिए आप समझिए कि हमको इतना टाइम लगा।